दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके कंफर्म तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फोन का यूज करके कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंफर्म तत्काल टिकट बुकिंग की जो टाइमिंग रहती है वो 10 बजे एसी वाले कोच की रहती है और 11 बजे नॉन एसी की रहती है। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मेक इन हिंदी। आइए शुरुआत करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से आप कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। कन्फर्म तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको कन्फर्म तत्काल की ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसको आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं। आपने लिखना है कन्फर्म तत्काल और आपके सामने सेम टू सेम ऐप आ जाएगी। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आप इस ऐप को यहां से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने सेम इंटरफेस रहेगा। यहां पर आपको ऊपर की तरफ दिखाया गया है स्टेशंस और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो IRCTC अकाउंट का ऑप्शन है। सबसे पहले आप कन्फर्म तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको IRCTC का अकाउंट बहुत ज़रूरी होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, IRCTC अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट IRCTC अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर हमने सारी डिटेल्स डाल देनी है। IRCTC की यूजर आईडी, यानी कि नॉर्मली कोई भी आईडी आप बना सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, जेंडर में अपना मेल फीमेल जो डालना है डाल सकते हैं, मैरिड में यस नो जो भी डालना है डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफेशन का ऑप्शन है, जो भी आप चूज़ करना चाहें। अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप अदर्स में डाल के सो कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप यह अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, बैक ऑप्शन पे जाना है। ऊपर की तरफ आपको वो स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है जहां से आप निकलना चाहते हैं और नीचे आपको उसको सेलेक्ट करना है, उस स्टेशन को सेलेक्ट करना है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। उसके बाद आपने नीचे की तरफ डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस डेट को आपने निकलना है। तो यहां पर आपने ये डिटेल्स डालने के बाद सर्च ट्रेन इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको उस ट्रेन को देखना है जिस ट्रेन में या जो भी टिकट्स हैं वो यहां पर अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो यहां पर सुबह 4 बजे की ट्रेन है, इसमें स्लीपर में तत्काल टिकट अवेलेबल है। और मैं यहां पर देखूंगा नीचे की तरफ तो ये देखिए 6 बजे की ट्रेन है जिसमें भी स्लीपर में तत्काल टिकट अवेलेबल है। उसके बाद 3rd AC में भी अवेलेबल है। इस तरह से आप अपने हिसाब से जो भी टाइमिंग आपको सही लगती है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर झेलम एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास में यहां पर तत्काल टिकट जो है वो अवेलेबल है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी वेटिंग में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 तारीख की मैं बुक कर सकता हूँ, 4 तारीख में अभी वेटिंग लिस्ट है, 16 वेटिंग लिस्ट है। तो मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो मैं मान लीजिए कि इसमें चेक कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर मुझे अवेलेबल मिल जाएगी, 425 रुपये की टिकट है अंबाला से सुबह, यहाँ पर ये निकलेगी 6:05 पे और ये पहुँच जाएगी 11:10 पे निजामुद्दीन। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मेल फीमेल जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें करिए, अपना पूरा नाम डालना होगा आपको। यहाँ पर पूरा नाम डालने के बाद आपने क्या करना है, नीचे की तरफ एज सेलेक्ट कर लेनी है और उसके नीचे आपने बर्थ प्रेफरेंस, जो आप बर्थ चाहते हैं, लोअर मिडल अपर साइड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें करिए। उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिए, ये आपका सेव हो गया। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल देना है और यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। यहां पर ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा। नीचे आपको एडिशनल प्रेफरेंसेज हैं, जो आप यहाँ पर लोअर बर्थ अलोकेट होती है तो आपकी जो टिकट है कंफर्म हो, इसको आप मेरे हिसाब से कैंसिल ही रखिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्री कैंसिलेशन आपकी जो है, यहाँ पर पे नो चार्जेस व्हेन टिकट इज़ कैंसल्ड, आपकी टिकट कैंसल हो जाएगी फिर भी आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप 115 रुपये पर यहाँ पर पैसेंजर एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो रहता है वो ये रहता है, आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन, यानी कि फ्री कैंसिलेशन मैं वांट नहीं करता हूँ। अगर मेरी टिकट यहाँ पर कैंसिल होती है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको अलाउ करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर येस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो पेमेंट ऑप्शन है उसके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर टाइमिंग देख सकते हैं आप, 9:54 इतने टाइम मिलेगा हमें इस टिकट को बुक करने के लिए और अवेलेबल 45 टिकट्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पेमेंट कर दूंगा और पेमेंट करने के बाद जैसे कि हमने इसके बाद जो ऑप्शन रहेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं अभी टिकट बुक कर दूंगा तो मेरे चार्जेस यहाँ पर लग जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जब पेमेंट कर देंगे गूगल पे से, UPI से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, IRCTC का जो आपने अकाउंट बनाया है उसकी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, यानी कि उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। आपने वो डाल देना है
और ओके कर देना है, आपकी टिकट कंफर्म यहाँ पर बुक हो जाएगी। तो इस तरह से गाइस आप बहुत ही आसानी से कंफर्म तत्काल के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको कंफर्म तत्काल टिकट बुक करना आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें जाकर आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी जरूर दबाइए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो हम आपके लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।